मान लो लिखा हुआ आ गया पद अर्थ, और अच्छे उदाहरण है और आराम से होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। उसी प्रकार जैसे इस तरीके से लिखा हुआ आ गया तद्दित, जैसे तद्दित पढ़ते भी आएंगे आपके अंदर, तद्दित पढ़ते भी लिखे आएंगे, पद्धति मूल पद्धति होती है सवाल करने की, उसी प्रकार से सवाल को जोड़ जोड़ के याद किया जाता। अब देखिएगा बनीवी संधि में आपको अगर इस तरीके से दिख रहा है दे हलंत दिख रहा है, धे दिख रहा है, बनीवी संधि में अगर आपको इस तरीके से दिख रहा है तो कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। जहां दिख रहा है वहीं से संधि का क्या होता है? विच्छेद होता है। पेपर में इस तरीके से नहीं देगा, पेपर वाला ये चाहेगा कि पहले तो उसको ये भी पता होना चाहिए पूरा वर्ण कौन सा होता है, आधा वर्ण कौन सा होता है, उसके बाद की बात होती है कि इसको बदलेगा। इसका मतलब हुआ कि वो एक सवाल में दो सवाल पूछ रहा है, एक सवाल में दो सवाल पूछ लिए कैसे, कि जिसको ये बदलना आएगा वही बदलेगा, उसके बाद में उसके बाद की बात है कि ये किस में जाएगा, ये किस में जाएगा, पहले तो यही पता होना चाहिए कि ये बदलते कैसे है ये ध्यान रखना। तो जो पूरा है वो पूरे में चला जाएगा, जो आधा है वो आधे में चला जाएगा, जो पैर में है वो पूरा है, उसके बाद में ये ती की मात्रा है, ये प है, ये पत धन हती हो गया, ये पद्धति बन गया है। उसी प्रकार ये जो तद्दित लिखा हुआ होता है वो क्या हो जाएगा? आपको भी पता है, आप भी बोल दो, तत धन हित हो जाएगा। ये तद्दित पर्दे में आपके आगे और लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो इसको। सवाल करने का तरीका आना चाहिए, बाकी कोई मतलब नहीं है नियमों का, ये विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। नियम काम नहीं आते हैं पेपर, जब सवाल करने जाते हो तो आपको तरीका काम में आता है कि अगर इस तरीके से दिखता है तो संधि कौन सी होती है।